वेरी गुड। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। आज मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगी। ये धाम रालापुर पे है, जो चित्रकूट पे पड़ता है, और यहाँ की माता जी का नाम है अशावर माता। चलिए प्रेम से बोलिए अशावर माता की जय। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। जय माता दी। यहाँ का लोकेशन देखिए कितना सुंदर है, पहाड़ में बनी हुई है। ये हनुमान जी का मंदिर है, जो वाल्मीकि महाराज ने स्थापित किया था। जब सीता माता का त्याग कर दिया था रामचंद्र जी ने, तो वो यहीं आके शरण ली थी। यहीं ऊपर वाल्मीकि आश्रम भी है, और यहीं लौकुश का जन्म भी हुआ था। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सोचिए अब इतना अच्छा लगता है तो पहले कितना सुंदर रहा होगा। ये देखिए वाल्मीकि महाराज हैं। अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे। यहाँ सोमवार और बृहस्पतिवार को मेला लगता है, बाकी दिन ऐसे ही। सामने हमारी कुलपुज माता बैठी हुई है। चल तो है ना, हर टाइम मार रहा है, काट मार रहा है, तो गड़बड़ से ही चल रहा है। ये दीवार दशरया की जय।
आज यहाँ लाइट प्रॉब्लम है, इसके कारण अंधेरा, नहीं तो ये मंदिर बहुत अच्छी है। मैं आप लोग को कभी फिर से दर्शन कराऊंगी जब यहाँ जिला होगा, या तो मैं दिन ले आऊँगी कभी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं से वाल्मीकि आश्रम जाते हैं, सीता माता इसी जगह रहती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी मंकी बैठे हुए हैं, हमारे चित्रकूट में मंकी ही मंकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रास्ता जाता है वाल्मीकि आश्रम के लिए। इसी रास्ते से होकर हमें वो आश्रम मिलेगा जहाँ माता शीतल और कुश रहते रहे हैं। ऐसे नहीं करते, माता जी मारेंगी। ये मेरी, ये देखिए नज़ारा यहाँ का। फ्रेंड्स हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग भी चलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। एक बार फिर से यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, कभी आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, लालापुर नाम है अशावर माता के मंदिर। और यहीं वाल्मीकि आश्रम भी है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था।